श्री हरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणम् गोविंद गोविंद। நாராயணியம் தசகம் 33 அம்பரீஷ சரிதம். அம்பரீஷனின் வரலாறு. வைவஸ்வதாக்கியமனு புத்திரநபாகஜாத நாபாக நாமக நரேந்திர சுதோம்பரீஷக சப்தார்ணவாவ்ருத மகீதயிதோபி ரேமே த்வத்சங்கிஷு த்வயி ச மக்னமனா சதைவ त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृते अप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थम् वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रातपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञात पारण मुहूर्त समाप्ति केदात वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्य दृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुदोद्रुत जटो विततान कृत्याम् कृत्याञ्च तामसिधरां भुवनं दहन्ती अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वदावीत् दावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमति लङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीत पादो राजापसृत्य भवदश्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्दा।